नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। पौड़ी में सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही हैं। कोटद्वार सीट से डबल इंजन की रफ्तार धीमी नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा से टिकट की दावेदारी करने वाले धीरेन्द्र चौहान का जब टिकट कटा है तो वो कोटद्वार से निर्दलीय ही मैदान में उतर गए हैं और उनके साथ जनता का खासा समर्थन भी देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र चौहान के खड़े होने से कोटद्वार में भाजपा दो टुकड़ों में बंट चुकी है। कोटद्वार से भाजपा प्रत्याशी रितु खंडूरी के प्रचार में पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह को मैदान में उतार आ गया है। खबर कलियर से है, जहां पर अब्दुल वहीद विधानसभा पिरान कलियर से आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल वहीद विधानसभा पिरान कलियर क्षेत्र में वोट मांगने के लिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके खिलाफ जमकर मुर्दाबाद की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में बीजेपी की घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के दृष्टि पत्र में उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने और हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। सुरक्षित देवभूमि के लिए भू कानून लाने, पूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में काम करने, किसानों को केंद्र के 6,000 के साथ राज्य सरकार के 6,000 मिलाकर 12,000 रुपए देने और गरीबों के कल्याण के लिए तमाम बेहतर कार्य करने का वादा किया है। रुड़की में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रिंस ने आजाद नगर में डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क किया। बता दें कि आने वाली 14 तारीख को मतदान होना है, जिसके चलते सभी दलों के प्रत्याशी डोर टू डोर घूमकर लोगों से जनसंपर्क कर वोट की अपील कर रहे। तो ही आम आदमी पार्टी से रुड़की प्रत्याशी नरेंद्र प्रिंस ने रुड़की क्षेत्र के आजाद नगर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। केजरीवाल की रीति और नीति से लोगों को अवगत कराने हेतु आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील की। प्रत्याशी नरेश प्रिंस ने कहा कि जनता सब जान चुकी है, इसलिए अब वो आपको ही चुनेगी। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जनता जो है वो भाजपा और कांग्रेस से, दोनों से त्रस्त हो चुकी है, दोनों पार्टियों से परेशान है। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों ने 10-10 साल उत्तराखंड में राज किया, लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। हमें इन दोनों पार्टियों ने कभी भी कुछ नहीं दिया है, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली को चमन बना दिया है। जैसे कि हमारा वहाँ पर कई योजना हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री अगर हमारी सरकार आती है उत्तराखंड में तो हम यहाँ के लोगों को देंगे। रोजगार गारंटी योजना के तहत हम 1,00,000 लोगों को सरकारी नौकरियाँ देंगे, और जब तक नौकरी नहीं दे पाते तब तक हम 5,000 रुपये रोजगार भत्ता लोगों को देंगे। इसके अलावा तीर्थ यात्रा की भी है, इसके अलावा हर घर में प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये महीना आर्थिक मदद देने का भी वादा किया है। तो लोगों में बड़ा भारी उत्साह है कि केजरीवाल जी अगर आए तो हमें कुछ तो मिलेगा, तो इसलिए केजरीवाल जी की तरफ सब लोगों का रुझान है। रुड़की में विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे तनवीर अहमद ने मछली मोहल्ला इलाके में स्थित कार्यालय में दिहाड़ी मजदूरी आए दिहाड़ी पर लगाए गए मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 300 रुपए दिहाड़ी और खाना देने की बात की गई थी, लेकिन उन्हें कार्यालय पर लाकर बसपा पार्टी का चिन्ह पहनाकर कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ वीडियो भी बनाया और बाद में उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसी बात से नाराज होकर दिहाड़ी पर लाए गए 17 मजदूरों ने बसपा के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पौड़ी गढ़वाल में आज समान प्रेक्षक पार्थ सारथी मिश्रा ने नर्सिंग कॉलेज डोप श्रीकोट में छात्र छात्राओं को मतदाता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा अपने अपने मत का प्रयोग करें, साथ ही दूसरे लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे त्यौहार को हर साल मनाया जाता है, उसी रूप में आगामी 14 फरवरी 2022 मतदान स्थल में जाकर अपने मत का प्रयोग कर त्यौहार के रूप में मनाएं।
प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस काफिले के साथ टेहरी जनपद के प्रताप नगर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह नेगी के समर्थन में ढुंगमंगदार पट्टी के सेंटीमारी धार में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। गणेश गोदियाल ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल यातायात की लचर कुव्यवस्थाओं से आमजन लाचार है। उन्होंने प्रताप नगर की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बननी तय है। हम जनता से वादा कर रहे हैं कि हमारा कांग्रेस का अगला आने वाला कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करने वाला कार्यकाल होगा। और आज ढुंगमंदार क्षेत्र में प्रताप नगर टेहरी गढ़वाल में मैं यहाँ की सम्मानित जनता से ये वादा कर रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो प्रत्येक उस परिवार को, जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है, उस प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार से हम जोड़ेंगे। और जो इस उत्तराखंड की मूल आवश्यकता है, जिन सपनों को, जो मूल सपना था हमारा उत्तराखंड राज्य बनाने का, वो सपना हम साकार करेंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से, झूठे वादे, कोरे भाषण और जो जनमानस को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोग समझ चुके हैं। गांव की माताएं बहनें जिनको बहुत सारे वादे और भरोसा भाजपा ने दिलाया था, जो बेरोजगार नौजवान जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो तमाम लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, सरकार बननी जा रही है। इस विधानसभा में एक भी नया पत्थर विकास का नहीं लगा, एक भी उम्मीद जिन नौजवानों ने इतनी जोर जोर से नारे लगाए और इतने पैदल जाके इन लोगों को समर्थन दिया, उनका एक भी काम नहीं हुआ। उल्टा यहाँ के प्रतिनिधि देहरादून में जाके मुझे लगता है कि ज़्यादा गर्वित हो गए कि जनता हमारी नौकर है, ये हमें वोट देती रहती है। लेकिन उत्तराखंड राज्य सादत के बाद बना है और निश्चित तौर पे लोगों के मूल में जो भावनाएं हैं वो ये है कि घर और गांव का विकास होगा, घर और गांव में हम रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे। लेकिन ऐसा दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड में मतदान के लिए अब एक सप्ताह से भी कम समय रह गया। प्रदेश में स्टार वार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस और आम पार्टी के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने बड़े नेता प्रदेश में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी घर घर जाकर जनता को अपने पक्ष में करने के लिए चुनावी मैदान में डटे हैं। बात करें सहसपुर विधानसभा की तो वहां पर भी चुनावी घमासान चरम पर है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद शर्मा और भाजपा के प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव को लेकर आयेंद्र शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उत्तराखंड में आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। आज मैं मौजूद हूं देहरादून राजधानी से लगी हुई सहसपुर विधानसभा, जहां पर चुनावी घमासान है। और यहां पे मेरे साथ जो है कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि जो ये टोपी आपने पहनी है, पहाड़ी टोपी, क्या क्या है इस? उत्तराखंडीय थे अपने, जिसे पहाड़ की जो पीड़ा है उसको हम कम दूर कर सकें, और जो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसकी जो है हमारी पहचान है उत्तराखंड की टोपी ही नहीं, अंदर हमारे दिल में हर कण कण हमारे शरीर का, एक एक सूक्ष्म जो शरीर का, कि हम अपनी जनता की सेवा करें, यही हमको बताता है। इससे हमारा मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा सर, ये राजधानी से लगी हुई विधानसभा है, ऐसा क्या कुछ करेंगे आप? जैसे सहसपुर विधानसभा सेलाकुई है, इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या कुछ करेंगे? बेरोजगारों की समस्या दूर करेंगे, रोजगार कैसे मिले, और यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे। सीसमबाड़ा कूड़ा घर है, उसको हम निस्तारण करेंगे। और हम 4 लाख जो हमारे 5 लाख गरीब परिवार हैं, 40,000 रुपये, ये हमने सब घोषणा पत्र में कहा है, उन सब बातों को अक्षरक्ष हम पूरा करेंगे। पहले भी कांग्रेस ने किया है, आगे भी करके दिखाएंगे। अच्छा, पिछली बार भी जो है आपको जो है कुछ सीटों से रह गई थी, इस बार क्या है? बहुमत की सरकार बनेगी, और स्पष्ट बहुमत, अच्छा बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। मेरे सामने जो है यहाँ पे अभी कांग्रेस प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा जी हैं, और चुनावी घमासान है। अब देखना है कि आरेंद्र शर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी है, इस चुनावी किले को ध्वस्त, विजय प्राप्त करते कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है विनोद ओथाण की ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो लेकिन मौत के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई जबकि 772 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में 97,010 सभी सक्रिय मामले हैं। देहरादून में सबसे अधिक 4,796 सक्रिय मामले हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रचार को धार दे रही है। जहां विधानसभा ज्वालपुर में गांव हजार ग्रांड में भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जिसमें सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि आने वाले 14 फरवरी को कमल खिलाने का काम करें और इस दौरान ग्रामीणों ने भाजपा की भी ज्वाइनिंग की। भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने वादा किया है जो मेरे 3 प्रोजेक्ट अधूरे हैं वह अब की बार सरकार आने पर पूरे हो जाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।